गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लावण्या वान्या व्लॉग्स। आई एम लावण्या और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट ही हो रहा है शॉपिंग से। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं इस टाइम कमला नगर। थोड़ा लेट हो गए थे, घर का लॉक नहीं मिल रहा था, घर पे कोई था नहीं, तो कमला नगर गए। हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बच्चों के कपड़े लेने थे, तो सबसे पहले हम बच्चों के कपड़े लेने पहुँचे SMD कलेक्शन के पास, और वहाँ से हमने लिए बच्चों के कपड़े। और उसके बाद हम लोग गए थे किन्स पे। किन्स से मुझे फुटवेयर लेनी थी और मम्मी जी को भी लेनी थी, तो हम दोनों गए किन्स पे। और उसके बाद हम लोग गए थे मम्मी जी को सूट लेने थे, तो वो लेने। तो फटाफट से हमने सारी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी और फिर हम घर आ गए थे। तो यहाँ पे हम वही कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे बच्चों के कि क्या कपड़े लेने हैं। तो क्या हमने लिया वो सब आपको बाद में देखने को मिलेगा। और इस पर ना वैरायटी बहुत अच्छी होती है, मतलब एक ही साइज़ में आपको इतनी वैरायटी दिख जाती है कि आप इजीली सिलेक्ट कर पाते हो कि आपको क्या चाहिए। तो हमने यहाँ से लिया सबसे पहले सामान, और उसके बाद हम गए थे किन्स पे। किन्स से मेरे को लेने थे फुटवेयर। अब फुटवेयर मुझे क्यों लेने थे, क्यों हम लोग ये सारी शॉपिंग कर रहे हैं, एक रीज़न तो दिवाली है, दिवाली का तो सबको पता ही है कि शॉपिंग की जाती है। एक रीज़न और है, मतलब मेरे को फुटवेयर वगैरह अर्जेंटली क्यों लेने पड़े, वो किस वजह से, क्योंकि इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग आएगा वो व्लॉग देख के आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं अनुष्का की सिस्टर, मतलब कनिष्का दीदी, उनका रोका होने वाला है, और उसी के लिए हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो हम वही यहाँ पे फुटवेयर देखने आए थे और वही देख रहे थे। मुझे थोड़ी हील्स चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं हील्स चेक कर रही थी, और फिर हमने फटाफट से यहाँ पे आके जितना भी जल्दी कर लो, मार्केट जाने का 2 से 3 घंटे लगना तो आम बात है, फटाफट से हमने सारे शॉपिंग कंप्लीट करी और उसके बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। फुटवेयर परचेज़ करके हम लोग आ गए थे यहाँ पे। सूट की शॉप है एक्चुअली कमला नगर में, बहुत सारे सूट की शॉप्स हैं, बट हम लोग मोस्टली जो शॉपिंग करते हैं सूट की वो दिल्ली मैचिंग सेंटर के नाम से कमला नगर में गोल चक्कर पे जो शॉप है इसी से लेते हैं। और इस पर काफ़ी अच्छी वैरायटी हमको अवेलेबल हो जाती है, मतलब जिस टाइप का हमें चाहिए होता है उसी टाइप का यहाँ पर ईज़िली हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखी, बहुत सारे सूट मम्मी जो को पसंद आए। सबसे ज़्यादा मम्मी मुझे को ये वाला पसंद आया सूट, और बट फिर भी मम्मी थोड़ा कंफ्यूज थी कौन से सूट लिए। वो उन सबका मैं एक अलग से सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है ना शॉपिंग का वो इकट्ठा हो गया, तो जो सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना है उस सबका एक अलग से सेपरेट व्लॉग आएगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी। तो इसमें 2 कलर थे, एक ब्लू था एक ब्लैक था, बट मम्मी को ब्लू पसंद आया था, और बट मम्मी को कन्फ्यूज़ हो रही थी ग्रीन वाले में, वाइन वाले में, ब्लू वाले में, रेड वाले में। तो जल्दी से बस हम लोगों ने अपनी कन्फ्यूजन दूर करी
और फिर हमने फटाफट से शॉपिंग करी। हमारे साथ वान्या नहीं आए थे, बस मैं और मम्मी जी आए थे, क्योंकि वान्या घर पे थी तो हम लोग उसको लेकर नहीं आए थे। किस वजह से? मार्केट की वजह से। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था तो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता, और वो इतनी देर जो है अपने आप नहीं चलते, वो कहते मम्मा फिर मुझे गोदी लो, फिर मैं गोदी उसको लेती या सामान देखती या सामान पकड़ती तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए हम उसको लेकर नहीं आए थे। सारी शॉपिंग ख़त्म करके हम लोग आ गए थे फिर घर वापस आते आते काफ़ी रात हो गई थी, आई गेस 9 तो बज ही गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, उसके बाद सीधा जो अब मैं यहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ वो है करवा चौथ की। करवा चौथ पे यहाँ पे मैं शाम को खाना बना रही थी, तभी कि मैंने फिर आगे जो है इसके आगे सारी क्लिप्स हैं। जल्दी से खाना बनाया करवा चौथ पे ना, एक्चुअली हमारे यहाँ पे दोपहर में कथा वगैरह नहीं होती है, जैसे सबके यहाँ पे कथा होती है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, कथा नहीं होती, सुबह की पूजा नहीं होती, शाम की पूजा होती है। मैं वही बना रही थी, मटर पनीर बनाई थी, आलू गोभी बनाई थी, पूड़ी कचौड़ी ये सब था, रायता था, पुलाव था, ये सब कुछ आज के मेन्यू में। और इस टाइम शाम के आई गेस 5 या 6 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से सारा खाना बना दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मैंने चावल पीसने स्टार्ट करे थे। हमारे यहाँ पे चावल पीस के मतलब उनको भिगो के फिर चावल का ना पेस्ट बनाया जाता है, लेप सा बनाया जाता है, और फिर उससे जो है छत को पूरा बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके छत पर जो है वो इन्हीं चावलों से चांद बनाया जाता है और उसकी पूजा करी जाती है। वो चांद ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ से आपको मतलब जब आप खड़े हो तो सामने चंद्रमा दिखे और नीचे आपने जो चांद बनाया वो नीचे हो। तो यहाँ पे फटाफट से पीस के मैं गई थी चांद बनाने, यहाँ गई थी मैं छत पे और मेरे साथ आई थी वान्या। फटाफट से हम लोग आए और हमने जल्दी से जो है चांद बनाया।
वान्या मेरे साथ आए थे, वान्या चांद को देख कितने एक्साइटेड थी, क्योंकि मतलब इस टाइम उसको अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गया हर चीज़ की, तो वो देख के बड़ी खुश हो रही थी। कह रही थी, मम्मा ये क्या बना रहे हो, ये आइज़ बना रहे हो चंदा मामा के, ये नोज़ बना रहे हो, ये लिप्स बना रहे हो, मतलब बहुत एक्साइटेड और हर चीज़ के बारे में मुझसे पूछ रही थी। और जब वो पूरा कम्प्लीट हो गया तो वान्या को बहुत खुशी हुई कि मतलब देखो कितना अच्छा बनाया हमने चांद, और मैंने इसी जगह पर बनाया ताकि सामने हमको जो है चंद्रमा जब निकले तो वो आराम से दिख सके और हम यहाँ पे अर्घ दे सकें। वहाँ पर वान्या खड़ी थी मेरे साथ, और फिर हम लोग जल्दी से चांद बना के आ गए थे नीचे, और नीचे आके फिर हम होते रेडी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला था। और फिर फटाफट से रेडी होके हमने की पूजा। अब मैंने क्या आउटफिट पहना था मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। मैंने पहनी थी ये रेड कलर की साड़ी, रेड कलर मतलब मेरा मन था साड़ी पहनने का रेड कलर की, तो मैंने इसलिए साड़ी पहन ली थी वाली। तो और प्यायशी और वैभव और पंगे ले रहे थे मुझसे, और ये मैं पूरी रेडी हो गई थी, बस मैं अपने बाल ही सेट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो मम्मी जी कहती फटाफट से पहले पूजा कर लो, बाद में सब कुछ होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने फटाफट से पूजा करी, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी छत पे। यहाँ पे पहले करते हैं हम लोग तिलक चंद्रमा को जो हमने बनाया है, उसके बाद जो भोग होता है जो मनसा भी जाता है वो निकाल के वो थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, और उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो करवा चौथ की पूजा है वो इसी तरीके से होती है, छन्नी वगैरह से हमारे यहाँ पे पूजा नहीं होती है। तो इसी तरीके से बस जल्दी से पूजा करी, और फिर सबने जो है व्रत खोला। सबने क्या मतलब, मैंने और मम्मी ने व्रत खोला, और सबने फटाफट से खाना खाया। और ये सब कुछ देख के सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड थी वो वान्या थी। पूजा करके हम लोग आ गए थे नीचे। यहाँ पे वहाँ पर मुझे पानी पिला रहे थे, और वो लेकिन वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से हल्का सा शॉट लिया, तभी उन्होंने जो है ग्लास रख दिया कि नहीं मुझे नहीं बनवानी वीडियो। और यहाँ पे फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। और ये थी साड़ी जो मतलब मैंने करवा चौथ के लिए रेडी कराई थी, और
ये पूरा था मेरा ओवरऑल लुक। कुछ मैंने खास नहीं करा था, बाल भी इस टाइम पे कोम तक नहीं करे थे, बस ऐसे खोल के खड़ी हो गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और फटाफट से ये सब कुछ करके मैंने सबसे पहले साड़ी चेंज करी और उसके बाद सबके लिए जो है वो खाना लगाया। खाने में क्या था, खाने में था मटर पनीर, आलू गोभी, रायता और गुलगुले और मटर का पुलाव, मटर जीरे का और पूड़ी कचौड़ी। तो ये था आज का डिनर का मेन्यू। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ जो भी मेरी फ़ोटोज़ हैं सारी कौन शूट करता है वीडियोस वगैरह, आयुषी, मोस्टली आयुषी करती है। जब आयुषी नहीं होती मेरे पास में तो फिर मैं वैभव से करा लेती हूँ, तो दोनों ही जो हैं वो अच्छे से मेरी हेल्प कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी रात का डिनर। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।